नमस्कार दर्शकों, मैं विजय गुप्ता फेस टू फेस के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार फेस टू फेस के नए अंक में कोई ना कोई नई शख्सियत रहती है, उसी तरह आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जम्मू कठुआ रेंज के डीआईजी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब अतुल गोयल साहब। ये हमारे यहाँ जम्मू डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी भी रह चुके हैं और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपना कार्यभार संभाला है, एसएसपी के समय भी और आज डीआईजी होने के नाते भी। इनसे ये जानेंगे किस तरीके से इन्होंने कोविड के समय कोविड एसओपीज को मेंटेन किया, लोगों को बताया कि किस तरीके से आप एसओपीज को मेंटेन करो, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो, और हमारे जम्मू में इस समय मेन मुद्दा है वो क्या है कि हमारे युवा नौजवान पीढ़ी को बचाने का, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क लगा हुआ है, उनको खराब करने के लिए, नशे की लत में लगाने के लिए। इन सब चीज़ों की डिस्कशन हम गोयल साहब से करेंगे। गोयल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। गोयल साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी कोविड का प्रकोप जो है, कोरोना का प्रकोप जो गया नहीं, और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में शायद तीसरी वेव भी कहीं नॉक कर रही है, लेकिन जिस तरीके से एसओपीज को आपने फॉलो करवा के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, सब चीज़ें बेखूबी तरीके से निभाई, तो किन किन चीज़ों की आपको परेशानी आई और किन किन चीज़ों को आपने सुलझाया? ये जो कोविड की महामारी थी, ये ना सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस बट पूरे भारत की पुलिस के लिए अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन था। पहली बार ऐसी कोई चुनौती आई थी। जम्मू कश्मीर में कई लेवल्स पे पुलिस ने इस पे काम किया। पहली बात तो जो आम पब्लिक को कैसे मोटिवेट करना है और कैसे इन्फोर्स करना है इन रूल्स को, जो लॉकडाउन के रूल्स वगैरह लगे थे, तो पहला स्तर वो था। दूसरा था कि जो हमारा पुलिस परिवार है, जो भी काफ़ी बड़ा है, उनको और उनके परिवार वालों को हम कैसे सिक्योर करें, क्योंकि पुलिस वालों ने और डॉक्टर्स ने, पैरामेडिक्स ने, इमरजेंसी वर्कर्स ने कोविड के बावजूद अपना काम करना था, निकलना था, तो बहुत बारीकी से प्लानिंग की गई। हमारी जो क़यादत है, जो लीडरशिप है पुलिस की, उन्होंने गाइड किया और फिर वहाँ से जो डायरेक्शंस फ्लो हुए वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, थाने लेवल पे बड़ी बारीकी से डिटेल में जाके उसको इम्प्लीमेंट किया गया। एक दो चीज़ें जो यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट की, खासकर जो जम्मू समकटवा रेंज से संबंधित हैं, जैसे कि लखनपुर में जो एंट्री पॉइंट पे हर एक आने जाने वाले की टेस्टिंग हुई, उसके लिए पुलिस का बड़ा बंदोबस्त रखा, ताकि हम ये चाहते थे कि एक तो टेस्टिंग हो जाए, दूसरी की लोगों को उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत ना आए या कम से कम दिक्कत आए, क्योंकि रुकना पड़ता है टेस्टिंग करानी है, जो पॉजिटिव आता है उसको आइसोलेट करना है, तो वो सब सिस्टम्स अच्छी तरह डेवलप हुए और अभी तक बखूबी चल रहे हैं। बहुत बड़ी बात बताई जैन साहब ने कि एक तो दूसरों को सिक्योर करना और साथ ही साथ अपने आप को भी सिक्योर करना, ये बहुत बड़ा एक इशू था, और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये बताई जिसकी वजह से हमारे जम्मू में काफ़ी हद तक कोरोना के जो केसेस हैं उनमें रोकथाम हुई, उसका मेन इम्पॉर्टेंट कारण था, ना कि जम्मू बल्कि जम्मू कश्मीर में जो बाहर से आने वाले लोग थे, जो बाय रोड आते थे, उनको वहीं बॉर्डर पे रोक लिया जाता था और टेस्टिंग के जरिए ही एंटर करने दिया जाता था, अदरवाइज जो पॉजिटिव होता था उसको वहीं आइसोलेट किया जाता था। इसमें कोई दूसरी बात नहीं कि ये सैल्यूट वाली बात है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, इन्होंने वहाँ अपना बेखूबी कार्य किया और उसको अच्छे तरीके से निभाया। जी गोयल साहब, कोविड के समय ये तो बात ठीक रही कि जो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस है उन्होंने लोगों को सेव किया, लोगों को एसओपीज मेंटेन करने के लिए बताया, लेकिन कोविड किसी का नाम लेके नहीं आता कि ये पुलिस वाला है, ये डॉक्टर है, ये बिजनेसमैन है, जब उसी से हमारे पुलिस वाले भी इफेक्ट हुए, तो उनकी सेफ्टी के लिए और उनके परिवारों की सेफ्टी के लिए क्या किया गया?
ये सही बात है कि पुलिस वाले भी काफ़ी तादाद में इस महामारी से बीमार हुए कोविड-19 से, कुछ लोगों की अनफॉर्चुनेटली जाने भी चली गई, लेकिन ये हमारा इंटेंशन रहा है, ये हमारी कोशिश रही है कि पुलिस वाले खुद अपने SOPs फॉलो करें, जहां कोविड सेंटर्स या जहां पर कोविड से जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनके साथ मिलने की जहां भी आशंका रहती थी, वहां पर प्रॉपर PPE किट्स, मास्क, जो भी रिक्वायरमेंट थी वो शुरू से पुलिस वालों को मुहैया कराई गई, और ओवर टाइम जैसे वैक्सीन्स निकली तो ये हमारा एम्फेसिस रहा है, हमारी लीडरशिप का भी एम्फेसिस रहा है कि पुलिस के, क्योंकि एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हमें वैक्सीनेशन फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जी जी गोयल साहब, मैं वैक्सीन पे आऊँगा, पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बात की शुरुआत में कहा कि काफ़ी जो पुलिस वाले हैं वो इस महामारी से उनकी डेथ्स भी हुई, तो क्या डेथ्स के बाद कोई इसमें भी कोई एस्क्रेशिया या समथिंग कुछ ऐसा कहा गया या कुछ नियुक्त किया गया जिससे वो परिवार सरवाइव कर सके? हमारे वेलफेयर फंड से परिवारों की सपोर्ट की गई जी, और ऑन ड्यूटी जो रूटीन में एस्क्रेशिया जाता है वो ऑब्वियसली मिला। जी 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 धन्यवाद सर। अभी हम बात कर रहे थे वैक्सीनेशन की, तो क्या हमारी जो पुलिस है बिल्कुल फ्रंट स्टेप पे है, तो क्या वो सारे जितने भी आज तक जितनी भी हमारी पुलिस फोर्स है, चाहे वो आर्मर्ड है चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, बट मैं आपसे बात करूंगा इस समय जम्मू कठुआ रेंज की, क्योंकि आप उसकी कमान को संभाले हुए हैं, तो क्या वो हमारे जवान जो हैं जम्मू कठुआ रेंज के, क्या वो प्रॉपर तरीके से सब वैक्सीनेटेड हैं डबल डोज से? ऑलमोस्ट सारे 90% के करीब पुलिस वाले जो हैं वो वैक्सीनेटेड हैं, कुछ बचे हैं क्योंकि उनको कुछ और बीमारियाँ हैं जिनकी वजह से वैक्सीनेशन डॉक्टर एडवाइज नहीं रिकमेंड, या जो हमारी लेडी पुलिस हैं कुछ प्रेग्नेंट हो सकती हैं जिनकी वजह से वैक्सीनेशन थोड़ा डिले कर दिया। ये बहुत बड़ी जानकारी हमें गोयल साहब ने दी। जी गोयल साहब, अब ये तो रही कोविड की बात, कोविड के साथ साथ आपके ऊपर 2-3 लोड और भी थे इस समय, कि पहला लोड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, दूसरा जो अहम रोल है वो है ड्रग्स का, किस तरीके से आपने इस ड्रग्स की महामारी को कंट्रोल किया वो जानना चाहूँगा मैं। जो ड्रग्स का प्रॉब्लम है वो वाकई इट इज़ अ प्रॉब्लम, इट इज़ बीन अ प्रॉब्लम, उसमें हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जो भी ड्रग पेडलर्स हैं उनको बुक किया जाए, अक्सर जो केसेस जो हम रजिस्टर कर रहे हैं NDPS एक्ट में उनमें बढ़ोतरी हुई है, और हमारा फोकस ना सिर्फ केसेस रजिस्टर करने में है बट देर इज़ अ बिग एफर्ट कि जो इन्वेस्टिगेशन स्किल्स हैं उनको, जो IUs की इन्वेस्टिगेशन स्किल्स बढ़ाई जाए, क्योंकि NDPS एक्ट बड़ा टेक्निकल एक्ट है, और ताकि जो कन्विक्शन हमारा जो रेट है वो बढ़े, इमीजिएट हो। जी लगभग कोई आइडिया है कि आपके यहाँ रहते जम्मू कठुआ रेंज की जब आपने कमान संभाली है तो कितने ड्रग पेडलर्स को पकड़ा होगा और क्या ड्रग्स पकड़ी होगी, कोई आइडिया? कोई एग्जैक्ट फिगर तो अभी नहीं है, लेकिन काफ़ी केसेस रजिस्टर हुए हैं, उसमें से कुछ केसेस हैं जहाँ पर कमर्शियल क्वांटिटी में हीरोइन वगैरह पकड़ी गई है, खासकर पाकिस्तान बॉर्डर से जो लगता है एरिया वहाँ पर, और काफ़ी कामयाबियाँ हमें मिली हैं, लेकिन बहुत काम बाकी भी है। जी अतुल जी, इसी से कनेक्टेड एक बात और पूछना चाहूँगा कि इसी से जुड़ी हुई, कि क्या ये मैक्सिमम जो ड्रग्स का धंधा है ये पाकिस्तान से ही किया जा रहा है या दूसरी तरफ से भी कहीं और से आ रहा है? ये जहाँ तक जम्मू सांबा कठुआ रेंज का ताल्लुक है जी, तो इसमें कई एपिसोड्स ऐसे आए हैं जहाँ पर जो हमारा बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ जी, वहाँ उसके पास में हीरोइन रिकवर हुई है, और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि वो हीरोइन का सोर्स कहाँ से था, तो ये हम मान सकते हैं कि जो पाकिस्तान से हीरोइन पुश करी जा रही है उसमें कोई डिनाइल नहीं नहीं है।
मतलब साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कहना यह है कि पाकिस्तान चाहता है कि हमारा नौजवान तबका जो है वो नशे की चपेट में आए, लेकिन आप जैसे डेडिकेटेड अफसर और जो कमान संभाले हुए हैं उनका मोटो सिर्फ यही है कि उनके इरादों को नस्ते नाबूद करना और अपने नौजवान पीढ़ी को बचाना। जी जी, बहुत बड़ी बात है जी। गोयल साहब, समय की नज़ाकत को देखते हुए आपसे प्रश्न तो बहुत हैं, लेकिन अंत में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि शायद थर्ड वेव जो है अक्टूबर में नॉक करे हमारे भारत में, तो किस तरीके का मैसेज जो है अपने लोगों को देना चाहते हैं ताकि हम लोग कोविड को अपने आप से भगा दें और इस महामारी से बाहर निकलें? पहले तो मैं ये आग्रह करना चाहूँगा लोगों से कि जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि मास्क पहनना, अपने हाथों को बार बार धोना एट्सेट्रा, थोड़ी दूरी बनाए रखना, वो फॉलो करें, ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाकों में ना जाएं और ऐसी चीज़ों को इनकरेज भी ना करें। दूसरा, जो भी वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल है वो अपनी वैक्सीनेशन ज़रूर कराए, समय पे कराए, और जो दोनों डोज हैं वो अपनी वैक्सीनेशन की लें। जी बिल्कुल जी। दर्शकों, अतुल गोयल साहब ने आपको अपने विचारों से अवगत करवाया और आपको बताया कि किस तरीके से SOPs को इस समय मेंटेन करना है, लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से इन्होंने बेखूबी तरीके से मेंटेन किया और आगे भी करेंगे, और प्लस इन्होंने बताया कि जो ड्रग्स है उसको हम अपने जम्मू में नहीं आने देंगे और पाकिस्तान के इरादों को नस्ते नाबूद करेंगे और अपनी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे जो कि हमारा मुस्तकबिल है। इसी के साथ दर्शकों, हम आपसे विदाई लेंगे। धन्यवाद जी गोयल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।